हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार बोर्न गेमिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहे। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे फास्टेस्ट प्लेयर के बारे में, जिसका नाम है राय स्टार। या राय स्टार को कौन नहीं जानता, राय स्टार को सभी जानते हैं। अगर आप राय स्टार को नहीं जानते हो तो यार इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के एक बार उसका गेम प्ले देख के आओ। यूट्यूब में सर्च मारो आप राय स्टार गेम प्ले, तो आपको उसका गेम प्ले मिल जाएगा। तो आप उसका एक बार गेम प्ले देखना यार, फिर बताना यार कि वो कैसा खेलता है यार। इतने हेड मारता है यार वो, और इतनी फास्ट खेलता है कि यार क्या बताऊँ। आप उसका खुद गेम प्ले देखना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हैकर है, और हैकर की तरह ही खेलता है यार। बट वो हैकर नहीं है, वो ऐसी सेंसिटिविटी पे खेलता है और ऐसे करेक्टर्स के साथ खेलता है जिससे कि उसका गेम प्ले इतना फास्ट हो जाता है। तो गाइज, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कौन सी सेंसिटिविटी में खेलता है और कौन से करेक्टर्स के साथ खेलता है। और आपको मैं यार एक और बात बता दूं कि यार वो पीसी में नहीं खेलता है, वो मोबाइल में खेलता है। क्योंकि यार मैंने लाइव में देखा था, उसने बोला था कि यार वो, मतलब खुद तो बोलता नहीं है बट जो यूट्यूबर लाइव करा रहा था तो उसने बोला था कि ये मोबाइल में खेलता है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए गाइज, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं राय स्टार की सेंसिटिविटी के बारे में कि वो कौन सी सेंसिटिविटी में खेलता है जिससे कि यार उसका गेम प्ले इतना फास्ट हो जाता है और उसके हेड भी इतने ज़्यादा लगते हैं। तो यार सेंसिटिविटी को बताने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपके हेड जो लगते हैं ना, वो आपकी सेंसिटिविटी पे, तो मतलब सेंसिटिविटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और आपकी स्किल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आप कैसे खेल रहे हो। अगर आप अपना ने एम है, जो एम है वो आप पैरों में रखोगे तब थोड़ी ना हेड लगेंगे। तो आपको ना यार जो हेड की भी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको जो एम है ना वो भी हेड के पास ही रखना होगा बंदे के, तो तभी हेड लगेंगे। तो गाइज, जो राय स्टार की सेंसिटिविटी है वो उसकी है यार जो 100-100 है, जो कि यार मैंने लाइव में नोट की थी। जो यार वो सेंसिटिविटी उसकी 100-100 है, सब 100 है। टू स्कोप की भी 100 है, AWM की भी 100 है, और फोर स्कोप की भी, और एम की भी 100 है, और जनरल भी 100 है। तो आपको भी 100 कर लेनी है, और मेरे हिसाब से भी यार आपको 100 ही रखनी चाहिए। क्योंकि यार जो बंदे, मतलब कि जिनका लेवल 50 से ऊपर है, तो उनको तो यार 100 ही रखनी चाहिए। जो यार जो मतलब कि जो जिस जिन बंदों ने अभी अभी खेलना स्टार्ट किया है तो वो तो यार जो नॉर्मल सेंसिटिविटी आती है उस पर रख सकते हैं। क्योंकि यार जो न्यू प्लेयर होते हैं उनसे इतना फास्ट नहीं खेला जाता। तो अगर आपका 50 से ऊपर लेवल है ना, तो आप 100 रख लो यार, आपको 100 रखनी चाहिए, जिससे कि आप यार एम भी मतलब बहुत ही मतलब फास्ट कर पाओगे और बंदे को भी आसानी से मार पाओगे। क्योंकि यार आपकी जो मोमेंट स्पीड है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, जो आपकी गन्स की, स्कोप की, और जो टू स्कोप, फोर स्कोप की, सभी की स्पीड इतनी फास्ट हो जाएगी, मतलब आप आसानी से बंदे को मार लोगे। तो गाइस, अभी बात करते हैं कि राय स्टार कौन से करेक्टर्स के साथ खेलता है कि यार वो इतनी स्पीडली से कवर में चला जाता है, इतनी स्पीडली से यार बंदों को मार देता है, और इतनी स्पीडली से मतलब उनको चकमा दे के भाग जाता है। तो गाइस, जो राय स्टार करेक्टर्स यूज़ करता है वो है कैली। कैली तो नंबर वन, कैली यार नंबर वन, आपको जो फर्स्ट करेक्टर है ना कैली। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के दिखाई थी कि यार कौन से मतलब करेक्टर्स हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए, तो उसमें मैंने कैली तो बताया ही था। तो आपको कैली तो यार कभी भी नहीं छोड़नी है यार, कैली तो आपको रखनी ही है। अगर आप जोन में भी फंस जाते हो ना, तब भी यार वो आपको, उसकी मोमेंट स्पीड यार इतनी फास्ट होती है, तो आपको आसानी से मतलब कवर, उसका जोन से बाहर ले जा सकती है। तो आपको कैली तो यार फर्स्ट नंबर पर, तो आपको कैली यूज़ करनी है। तो इसके बाद जो सेकेंड नंबर करेक्टर है, जो जो मतलब कि राय स्टार यूज़ करता है, वो सेकेंड नंबर करेक्टर है जोसे, अलोक। अलोक आपको यूज़ करना है, अलोक कैली, दो करेक्टर हो गए आपको, ये दो करेक्टर्स को तो यूज़ करना ही है। वैसे भी यार अलोक का बहुत फ़ायदा है, तो आप अलोक को और कैली को तो यूज़ करना ही, क्योंकि यार राय स्टार भी इनको यूज़ करता है। तो आपको इन दोनों को यूज़ करना है। और इसके बाद तीसरा जो करेक्टर है वो आपको यूज़ करना है, वो जोसेफ। आप जोसेफ को यूज़ कर सकते हो यार, क्योंकि यार जैसे ही आपको डैमेज पड़ता है तो आप एकदम से कवर में जा सकते हो, और एकदम से आप स्पीडली से भाग सकते हो यार। तो आप खुद सोच सकते हो यार, ये दो करेक्टर ये बहुत जरूरी है, कैली और
जोसेफ, आपको इन दोनों को यूज़ करना है, और रायस्टार भी इनका यूज़ करता है। जब पहले तीन करेक्टर हुआ करते थे ना, तब वो कैली और पोलोमा, पोलोमा को भी यूज़ करता था, मतलब रायस्टार पोलोमा को भी यूज़ करता था। तो अभी मैं बताने वाला हूँ, अभी जो वो यूज़ कर रहा है जिन करेक्टर्स को, तो वो एक तो है कैली, कैली को आपको यूज़ करना है, एक है अलोक, दो हो गए, और इसके बाद आपको एक जोसेफ, और उसके बाद आप थर्ड करेक्टर किसी को भी यूज़ कर सकते हो, या तो आप पोलोमा को यूज़ कर सकते हो, कला को यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं बताऊं जो रायस्टार है किन करेक्टर्स को यूज़ करता है, तो रायस्टार लोरा को यूज़ करता है, जिससे कि उसके यार हेड भी लगते हैं, बट वो पहले लोरा का यूज़ नहीं करता था, तब भी उसके हेड लगते थे, तो आप लोरा का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अभी आप यहाँ पर देखना यार, एक मिनट मैं इसकी स्पीड थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी देखना यार आप कैली और जोसेफ का यूज़ किए कैसे, मतलब वर्क करते हैं। तो अभी मैंने इसकी स्पीड कम कर दी है, तो आप देख सकते हो एक बंदा नीचे है और एक बंदा मेरे वहाँ पे ऊपर है, तो दोनों साइड बंदे हैं। और यार देखना अभी, देखो देखो यार, बंदे को पता भी नहीं चला और मैं देखो कितनी जल्दी से कवर में चला गया। अगर मेरे को कोई गोली मारता तो मेरी मोमेंट स्पीड उससे भी फास्ट हो जाती। तो आपको ना इनका जो कैली का और जो सेफ का लेवल फुल करना है, ये नहीं है कि अगर आप कम एक लेवल पे है और तभी आप ये मतलब इतना स्पीडली वर्क करेंगे, तो आपका इनका इनका लेवल फुल 6 लेवल तक कर लेना है अपग्रेड इनको, और तब देखना यार आप इनसे खेल के तो आप भी यार रायस्टार की तरह खेल पाओगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया है कि रायस्टार जोसेफ, कैली, अलोक और यार कला को भी यूज़ कर लेता है वो, लोरा को भी, और एंड्रयू को नहीं करता है वो यूज़। एंड्रयू का यार इतना यूज़ नहीं है यार, मैंने खुद देखा है यार, जब मैं एंड्रयू यूज़ करता था तब यार जल्दी मरता था, और तब मैं जब मैंने एंड्रयू को छोड़ा है और जोसेफ और कैली को यूज़ किया है, तो यार मैं मतलब कि बंदे, दो बंदे को तो आराम से मार देता हूँ यार, मतलब अपने हिसाब से मैं दो बंदे को आराम से मार सकता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो वीडियो को लाइक करना यार, बहुत मेहनत से बनाई है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना यार एक बार व्हाट्सएप पे बस। और यार चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लेना यार, मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।